फाइनली भाई लोग, तुम्हारा भाई पहुंच चुका है उस इस तरीके की लोकेशन में, और ये है आपका त्रिजुगी नारायण मंदिर। तो ये है भाई सामने आपका त्रिजुगी नारायण, कुछ इस तरीके का दिखता है। तो भाई लोग, हमारे पूजा स्टार्ट हो चुकी है, अभी पूजा करने के लिए बैठ रहे हैं। तो गुड मॉर्निंग भाई लोग, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का हमारा सफ़र केदारनाथ यात्रा हमारी पूरी हो चुकी है, और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं त्रिजुगी नारायण मंदिर के लिए। तो हमने राइडिंग गियर वगैरह सब कुछ पहन लिए, ये पीछे मेरे दोस्त लोग। अब हम बाइक में सामान बांध रहे हैं अपना रो वगैरह से, उसके बाद देन हम चाय वगैरह पियेंगे और फटाफट से निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि अभी हमें 9 बज चुका है, यहाँ लेट हो गया। और मौसम पहाड़ों का मेरे को थोड़ा गड़बड़ लग रही है आज, मेरे को लग रहा है कि यहाँ बारिश होगी। ऊपर बादल देख रहे हो आप, तो बारिश का मौसम लग रहा है। फटाफट यार पन्नी पुन्नी से पैक करते हैं अपना सामान और फिर निकलते हैं यहाँ से। लेट भी बहुत हो चुकी है और टाइम भी बहुत कवर करना है, करीब करीब मेरे को 280 किलोमीटर यहाँ से आज एक दिन में कवर करना है। तो फटाफट से निकलते हैं और मिलते हैं आपको सीधे आगे। ये हमारे भाई लोग अपनी बाइक वगैरह चमकाते हुए, फटाफट से चमकाओ भाई। और खासकर भाई इसकी डिस्प्ले वगैरह में कपड़ा मार देना, क्योंकि फिर इसमें क्या रेत रह जाती ना, ब्रेक चूं चूं की आवाज़ करती ब्रेक में। तो मिलते हैं भाई लोग। और ये सामने हमारी i20 खड़ी है मिस्टर रोशन जी की, और ये हमारी बाइक है। देखो तीनों बाइक का लाइनअप हमने यहाँ करा था, तो बाइकें देखो कुछ इस तरीके से खड़ी है यहाँ पहाड़ पे। अच्छी लग रही है ना, सॉलिड एकदम। तो निकलते हैं यहाँ से और व्यू देखो आप इस यहाँ का। ये त्रिजुगी नारायण वाली रोड है भाई लोग। हम इधर होटल लिए थे हमने, ये मंदाकिनी वैदिक करके, मंगल वैदिक करके सॉरी। तो यहाँ से निकलते हैं फटाफट और मिलते हैं आपको सीधे आगे। तो ये कुछ इस तरीके का व्यू है जहाँ हम कल रात केदारनाथ से आने के बाद रुके थे, और ये हमारी चाय और मैगी आ चुकी है। तो अब हम निकलते हैं यहाँ से, इसको खा के फटाफट त्रिजुगी नारायण के लिए। तो ये जो मेरा ब्लॉग रहेगा ये खाली त्रिजुगी नारायण के लिए रहेगा, इससे पहला वाला ब्लॉग मेरा केदारनाथ के लिए रहेगा। तो उसको भी जाके आप देखना, इंजॉय करना। तो मिलता हूँ आपको पार्ट्स में इंक्लूड कर देंगे हाँ। तो ये अपना डीमन ब्रोस, इनका चैनल भी आप सब्सक्राइब करें प्लीज 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 भाई। हमारे द यूके 15 है, यूके 15 राइडर जिसमें वीडियो नहीं डालती। भाई ये हमारे रथान जी, ये तो बड़ा जहाज चलाते बड़ा जहाज चलाते छोटे मोटे जहाज नहीं करते, इसको एंजॉय करते हैं। मिलते हैं आपसे बाद में। तो भाई लोग, हम लोग निकलने के लिए यहाँ से रेडी हो चुके हैं। ये अपने भाई है मयंक पिकाचू, और ये हमारे रोथान जी अपनी i20 से आगे जा रहा है शुभम। तो हम यहाँ से निकलते हैं फटाफट से। तो ये कुछ इस तरीके का रास्ता है जहाँ से हम परसों सुबह चढ़े थे और अब यहाँ से उतर रहे हैं। तो कुछ रास्ता पहाड़ी थोड़ा डेंजर सा है, यहाँ से हमने लेना है सीधे राइट। चलो चलो, तो निकलते हैं भाई लोग हम आगे के लिए। तो ये जो है सामने आपका हेलीपैड के लिए है, और ये हम जा रहे हैं आगे। तो यहाँ से पीछे से हेलीपैड मिलता है, तो आप कभी त्रिजुगी नारायण साइड आए तो आपको हेलीकॉप्टर की व्यवस्था भी मिल जाएगी, आप ऑनलाइन भी कर सकते हो इसको बुक। व्यू देखो यार पहाड़ों का, कितना प्यारा आ रहा है यार। पहाड़ों में जो गाड़ी चलाने में मज़ा आता ना, वो कहीं नहीं आता। कुछ हॉर्न दे रहे, सुनता हूँ क्या बोल रहे हैं, क्या हुआ? हाँ ठीक है ठीक है, रुक रुक हूँ उनके लिए। मस्त, तू बहुत दूर है अभी ऐसे करके तू बहुत दूर है अभी, तेरे से नहीं मिला पाऊंगा यार। तो गाइस नज़ारे यहां पे बहुत भाई, नज़ारे कितने प्यारे आ रहे हैं, नहीं बहुत ज्यादा ऑसम नज़ारे। ये देखो सीढ़ी में मत भाई, नीचे जाम देखो यार, क्या तगड़ा जाम लगा हुआ है यार नीचे। भाई तुम जाम दिखा दो, दिखा मैं जरूर दिखाऊंगा जाम। तो भाई लोग, ये सामने का व्यू देख रहे हो, कितना प्यारा व्यू आ रहा है ऊपर का, एकदम टॉप व्यू ऊपर हिमालय, हिमालय पे बर्फ पड़ी हुई है।
और हम जा रहे हैं यहाँ से कुछ भी लेने के लिए। मंदिर कुछ अगल बगल में ही है, तो व्यू देखो यार सामने का कितना प्यारा लग रहा है, अल्टीमेट व्यू है यार, देख रहे हो। तो पार्किंग कुछ इस तरीके की यहाँ पे त्रिजुगनारायण की, यहाँ पे आप पार्किंग कर सकते हो। तो फाइनली भाई लोग तुम्हारा भाई पहुँच चुका है इस तरीके की लोकेशन में, और ये है आपका त्रिजुगनारायण मंदिर। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मंदिर शायद नीचे ही होगा। तो चलते हैं फटाफट से मंदिर के लिए। तो मंदिर है किधर, आगे है मेरे ख्याल से, आई गेस 50 मीटर लिखा हुआ है, तो आगे ही है। तो चलते हैं फटाफट से, वो है सामने 50 मीटर लिखा हुआ भाई, आगे चलो चलो पूरा सामने। पढ़े लिखे नहीं हो क्या तुम दोनों? तो भाई लोग ये है मंदिर। क्या जी पौड़े? हाँ पौड़े भजन। बहरा नहीं चा बोला हम यहाँ की लोग अलग था पौड़े वाला, हम पौड़े वाला भाई। हालत इतनी टायर्ड हो चुकी है ना, केदारनाथ जाना ऊपर पैदल आना पैदल जाना भाई, इतनी टायर्ड हो चुकी ना आयत, मेरे तो कंधा इतना दर्द कर रहा है ना भाई। वो 15-20 किलो का बैग में कंधे में डाल के ले गया नीचे लेके आया, और मेरे कंधे जड़ गए 15-20 किलो। हाँ इतना ही तो था गए। अच्छा। ओ अपने वजन लेके गए, अपने वजन लेकर आए। हाँ खांसी भी हो चुकी है भाई वहाँ से आने के बाद हमें, और जुकाम भी लग चुका है मेरे को। फिलहाल हमारे रोहतान जी भी आने में थोड़ा टाइम लगाएंगे, तब तक मैं सोच रहा हूँ चाय वगैरह पी लेते हैं, तो जब वो आएंगे तब साथ में चलेंगे मंदिर। हाँ जी पौड़े का जन्म। हाँ जी पट्टी खासी हूँ। हाँ तेरे को पट्टी का नहीं पता होगा ना, तेरा गांव कौन सा है? मेरा थलदा सतपुली। सतपुली में एक जिधर ताड़केश्वर है ना, वही उधर ही है मेरा गांव। पट्टी को मालूम होना चाहिए ना। अपने ना उसमें देखना, मूल निवास में देखना, उसमें पट्टी लिखी रहती है। पुराने आदमी जो होते हैं ना वो पट्टी से पहचानते एक दूसरे को, वैसे नहीं पहचानते। आधार कार्ड नहीं वो मूल निवास। तो भाई लोग अभी इंतज़ार करते हैं अपने भाई लोगों का, उसके बाद मिलते हैं आपसे आगे। तो भाई लोग निकल चुके हैं मंदिर के लिए चाय वगैरह पी के, अब निकलते हैं फटाफट। ये रास्ता है करके। हाँ तो भाई लोग थाली आ चुकी है, ये है पूजा की थाली, और हम चलते हैं यहाँ से आगे। सब ने थालियाँ पकड़ ली भाई, थाली वहीं छोड़ देनी अपना लेके आ जाएंगे ठीक है। तो भाई ये है कुछ इस तरीके का मंदिर का गेट, और यहाँ से हम अंदर जाते हैं। कहाँ से हैं? पौड़ी से। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की दुकानें लगती है सुंदर सुंदर थी। तो ये केदारनाथ के छोटे छोटे से मंदिर आप अपने गाड़ी के डैशबोर्ड में रख सकते हो। तो बस बस पहुँचने वाले हैं, तो बहुत कितना है मेरी भाई। तो ये है भाई सामने आपका त्रिजुगी नाम, कुछ इस तरीके का दिखता है ठीक। तो आज इस यहाँ भी विवाह हो रहा कुछ, तो ऐसे भी शादी होती है यहाँ पे, आप आ सकते हो अपनी शादी कराने के लिए। नीचे शादी हो रही है,
भाई तुम नीचे आ चुके हैं अब यहाँ पे मंदिर पे, और ये हमारे पंडित जी हैं जो हमारे को यहाँ आज पूजा वगैरह कराएंगे। तो चलते भाई नीचे, हमने लोटा ले लिया है, इसमें जल वगैरह लेना है जो हमें पूजा के लिए लगेगा। तो आज यहाँ विवाह वगैरह भी हो रहा है, बहुत सारे आए हैं, ये बोल रहे कि मुंबई से आ रखे लोग, तो फटाफट से यहाँ से पूज लेते हैं। ये देखिए ये है वो तालाब जिसे पानी आता है, और यहाँ से हमने जल वगैरह लेना अपने के लिए इस लोटे पे। इसके बाद मेरा वाला तुम्हारे पास देरी है, कृष्ण पहले हाथ धो, इसके शर्ट पे कितने पैसे कैसे पहले हाथ धो पूरे पूरे चले अब उतर बस। तो मौसम बहुत बढ़िया चल रहा है यहाँ पे, बाइक मेरी बहुत बड़ी तो भाई लोग फिर से एक बार हमने जल वगैरह ले लिया, और यहाँ बारिश पड़ रही है बहुत भयंकर, पानी की बूंदें देखो आपको दिख रही होगी, इसमें पड़ती है बारिश, तो बारिश वगैरह पड़ने लग गई है बहुत तेज। भाई हम तो भीगेंगे यार, मेरे को ऐसा लग रहा है जाते जाते थोड़ा, क्योंकि रेनकोट मेरे आगे गाड़ी में है बैग में। ऊपर चलते पूजा करने के लिए, मिलते हैं आपसे आगे। तो ये लगी हमारी थाली यहाँ सामने पे, और पंडित जी लगा रहे पूजा करने के लिए यहाँ पे चटाई, और पंडित जी लगा रहे हैं पूजा करने के लिए चटाई। सबके बारे में अपनी पूजा करनी है, एक पूजा पहले से चल रही है यहाँ पे। तो भाई लोग हमारी पूजा स्टार्ट हो चुकी है, और ये पूजा करने के लिए बैठ रहे हैं फटाफट से, ये मिलते हैं आपसे आगे। गोपाल चूड़ामणि ओम वंदे देव उमापते गुरुगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नकभूषणं मृगधरं वंदे पशुनामपते वंदे सूर्यसंगवन्दिनायनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाशयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं मंत्रपुष्पं समर्पयामि गुरुशंकर भगवान की जय। अभी चुनरी श्रृंगार माला हाथ में रखी, ये माता पार्वती की कन्यादान की जगह है, जैसे हम अपनी बेटी को विदा करते हैं उस समय वस्त्र का दान देते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे माता पार्वती को भी दिया जाता है। अगर आप लोगों का वस्त्र ला रखा है वस्त्र चढ़ा सकते हैं, अगर नहीं ला रखा है उसके निवृत्त द्रव दक्षिणा रखे अपने। ओम देवी भगवान सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण ने त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। या देवी सर्वभूत मातृरूपेण स्मरामि कुल माता थोड़ा सा ये नारियल है आप खा लिया, ये नारियल चढ़ा दीजिए, ये प्रसाद है। अच्छा हमारा प्रसाद खोल के चढ़ा दो भूता तथा लोका नकल के होना मैं विचार करो कि हम ही लोग चढ़ा दीजिए ऐसे चढ़ा दीजिए उनका के है उनका के कहां इधर बैठ गई नहीं उड़ जा सके आ जा एक साथ थोड़ा दाएं हाथ में पानी ले लीजिए, दाएं हाथ से पानी लेके अपने भाषा में अर्पण कीजिए। ओम काहे निवाचा मन सिंद्रिया उद्ध प्रावसावा रोम यज्ञम सकल स्वरस्वी श्री लक्ष्मी नारायण समर्पयामि। दर्शन का गम मांगो पानी तब से बारे में उसी का नाम बोलिए अपने मन में, और ये पूजा आपके समस्त परिवार की तरफ से हो रही है, अपने परिवार में सब लोगों का नाम ले लीजिए, और अपने इष्ट देवता कुल देवता ग्राम देवता पितृ देवताओं का ध्यान करो, भगवान से प्रार्थना करो हमारे पितृ देवताओं को शरीर में शांति मिले, वैकुंठ हो ब्रह्मकुंड रुद्रकुंड आत्मशुद्धि कर्तव्य विष्णुकुंड मार्जन कर्तव्य सरस्वती धारा पितृ वैकुंठ हितवे धर्मशिला महादेव पार्वती कल्याण स्थली मोतियों के जगह अन्नदान वस्त्रदान फलदान स्वर्णदान गायदान कर्तव्य सकुटुंब सपरिवार की तरफ से सौभाग्य पूजा अर्चन कर्तव्य ब्राह्मण हरि ओम तस्यत् स्वस्तिदाता कल्याणम भूयात कुलशंकर भगवान। यहाँ पे आपकी सौभाग्य पूजा संपन्न है, यहाँ पे हम आपके तीर्थ पुरोहित हैं पौड़ी गढ़वाला लोग, अब उस हिसाब से अपने पुरोहित की दक्षिणा अपनी थाली में जो दक्षिणा करते हैं वो अपनी सौभाग्य पूजा की पितरों के लिए मिले, और ब्राह्मण भोजन की दक्षिणा विचार करके अपना अपनी थाली। तो भाई लोग हमारी पूजा भी संपन्न हुई, और हम जा रहे हैं जल चढ़ाने के लिए, और ये जो आप सामने मंदिर देख रहे हैं ये त्रिजुगी नारायण है, इसको इसलिए त्रिजुगी नारायण बोला जाता है क्योंकि ये तीन युगों के नारायण जो भगवान शिव है उनका मंदिर है, जहाँ शिव जी के और पार्वती जी की शादी हुई थी,
वो मंदिर है। अब हम जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, फटाफट से चलते भाई लोग जल चढ़ाने के लिए। फूल वहाँ से दो पत्ते देने पर यहाँ नहीं चढ़ाना है, गणपति बाबा पे जल चढ़ रहा है, हम भी यहाँ जल चढ़ा रहे हैं। तो ये देखो आपको दिख रहा होगा तेजुगी में इस तरीके का कुछ, और यहाँ शादी हो रही है, बाहर सारे से कई लोग मुंबई वगैरह से उनकी शादी हो रही है। तो अभी बोला जा रहा है कि अभी भगवान को भोग लग रहा है, तो उसके जस्ट आधे घंटे बाद यहाँ मंदिर खुलेगा, तब हम अंदर जाके दर्शन करेंगे। तो मिलते हैं आपसे, तो तब हम अपना फोटो वीडियो और रील वगैरह बनाते हैं, और आप मेरे इंस्टाग्राम में जाकर मेरे को फॉलो कर लेना, मैं इंस्टाग्राम आईडी अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा, तो फिर आप वहाँ जाके रील वगैरह देख लेना। तो वही लोग, जब तक मंदिर खुलता है, भगवान को भूख लग रहा है, तब तक हम अपने यहाँ पे क्या बोलते हैं इसके लिए नाम वगैरह लिखा रहे, क्योंकि यहाँ पे अपने गांव का नाम, अपनी गांव की पट्टी का नाम सब कुछ लिखाना अनिवार्य है, क्योंकि पता रहता है ना, जैसे कोई हमारे रिलेटिव कोई आते हैं तो उनको पता रहता है कि हमारे पहले कौन आए थे यहाँ रहने वाले। ठीक है, तो ये सामने का मंदिर है, ये नाम लिखा जा रहा है सबसे यहाँ पे, तो ग्राम पट्टी का नाम, अच्छा, और ग्राम का नाम सब कुछ, पापा मम्मी का नाम, सबका नाम, परदादा का नाम, सबका नाम लिखा नहीं पता, दादाजी का नाम, परदादा का नहीं पता, वो वहीं से निकलेगा। अच्छा चलो, माता जी का नाम। तो इसके बाद मैं भी लिखवाता हूँ अपना नाम पूरा वगैरह, मेरी पट्टी का नाम जो है जितने यहाँ है मनीष कई कोई आएगा ना, जैसे मुख्य में था 65 साल पहले मेरी दादी का रिकॉर्ड था। हाँ, वहाँ पे रिकॉर्ड होता है ये, मतलब ये 2080 को लिखा जा रहा है। तो फिलहाल भाई लोग, मैंने अपना नाम वगैरह, अपनी पट्टी का नाम, अपने गांव का नाम लिखा दिया, और अब यहाँ पे जो है, जब ये कुंड देख रहे हो ना, ऐसे 7 कुंड है इसमें से, जिसमें 2 कुंड अंदर है और 5 कुंड बाहर है। तो ये जो आप देख रहे हो, ये रौद्र कुंड है, ठीक है, और ये विष्णु कुंड है सामने वाला, और वो आगे वाला जो देख रहे हैं ना, ये ब्रह्म कुंड है। तो इसमें इसका मेरे को पता नहीं चल रहा है, इतना पानी आ रहा है ना, ये पानी जा कहाँ रहा है, तो ये देखो पानी ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, नहीं तो जा कहाँ रहा है ये पता नहीं है। तो मेन ये है कि ये जो मंदिर है ना, ये पूरा जो मंदिर बना हुआ है, ये पूरा पानी के ऊपर बना हुआ है, पता क्यों, क्योंकि भगवान विष्णु जो है ना, वो पानी में रहता है। तो आपने बद्रीनाथ भी देखा हुआ, तो बद्रीनाथ में भी आपको पानी मिला होगा दुनिया भर का, तो यहाँ पर भी वही है सेम, ये भी पानी में है और बदमा भी पानी में ही है। तो अभी अंदर दर्शन करने के लिए जाने वाले थोड़ी देर में, तो मिलते हैं फिर आपसे आगे। तो भाई लोग, अब हम जा रहे दर्शन करने के लिए, तो दर्शन की लाइन कुछ इस तरीके से है भाई आज यहाँ। और ये जो सामने आप देख रहे, ये क्या जाए, विष्णु चक्र, श्री चक्र, तो ये श्री चक्र है सामने भाई, 12 साल में हर 12 साल में एक बार उठाया जाता है। और फिर हम लोग लाइन पे लगते हैं, मिलते हैं आपसे आगे। भाई लोग, अंदर अभी शादी वगैरह हो रही है, और मैं चलता हूँ यहाँ से आगे, दर्शन वगैरह सब कुछ कर लिए मैंने, और मेरे साथ वाले किधर गए भाई, ये आगे है, तो चलते ये आगे है, तो चलते भाई हम यहाँ से सीधे फटाफट तैयार होते हैं। बारिश आ रही थी थोड़ी देर पहले, बहुत ज़्यादा बंद हो चुकी है, तो अपना सफ़र पूरा करते हैं यहाँ से, मिलते हैं फिर आपसे आगे। तो ये कुछ इस तरीके का मंदिर, मिलते आपसे आगे। तो भाई लोग, फाइनली मेरा तेजुगी नारायण का जो यात्रा थी वो कंप्लीट हो चुकी है, और मैं अब बैठ चुका हूँ अपने बाइक पे, और मैं अब निकल चुका हूँ यहाँ से। तो भाई लोग, मंदिर काफ़ी बढ़िया था, फ़ोटो वीडियो और रील में मैंने देखा था, और आज सौभाग्य भी प्राप्त हो गया मंदिर आने का। तो अचानक से प्लान बनता भाई, हर जगह कहीं भी आप भगवान के किसी भी मंदिर में जाओगे ना, तो जब तक आपको बुलावा नहीं होगा तब तक आप नहीं जा सकते, और मेरे को बुलावा था भगवान के मंदिर जाने का। तो आज चलो वो जगह भी देख ली मैंने, जहाँ से पार्वती की शादी होती है, शादी हुई थी। और आप कभी अगर यहाँ आना चाहो शादी करने के लिए, तो करीब करीब मोटा मोटा 1-1.5 लाख रुपए में आपकी शादी पूरी संपन्न हो जाएगी यहाँ, जिसमें कि 4-5 ये पंडित लगेंगे जो ये करवाते हैं शादी। तो भाई लोग, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। आशा करता हूँ कि आपको मेरा जो बनाया हुआ ब्लॉग है वो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और मेरी केदारनाथ की यात्रा वाला
जो ब्लॉग है वो भी आप देखिए, क्योंकि जस्ट केदारनाथ के अगले ही दिन जब मैं नीचे उतरा तो उसके बाद ये मैं आज सरयू नारायण में हूँ। तो आपको ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और इन्जॉय कीजिए मेरे आजकल जो राइड चल रही है इसका। जल्दी मिलता हूँ मैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को जो नए आए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।